ऐसे शहीदों के त्याग और बलिदान से आने वाली पीढ़ी को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये है शहीद उद्यान जो भिलाई सिविक सेंटर के पास नया खुला है और इस उद्यान का नाम रखा गया है शहीद उद्यान। तो गाइस चलिए एंट्री करते हैं। ये है एंट्री पॉइंट। और यहाँ अभी भी कुछ कुछ काम चल रहा है और इसका ओपनिंग 12/1/2021 में हुआ है, 12 तारीख जनवरी 2021 में। तो गाइस यहाँ इस प्रकार से पूरा वॉकिंग की तरह बनाया गया, वॉकिंग स्ट्रीट की तरह, और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से लाइटिंग एवं गार्डनिंग किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये ऐसे पूरा एक राउंड है और ऐसे घूमने के बाद आप इस तरफ से आएंगे और वहाँ पर लगा है म्यूज़िकल फाउंटेन चल रहा है। म्यूज़िकल फाउंटेन नहीं है, ओनली फाउंटेन है। और वहाँ पर बीच में आपको शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाई गई है और छोटा सा स्टेडियम की तरह बनाया गया है उसको बैठने के लिए। यहाँ लिखा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम भिलाई, और यहाँ पर है छत्तीसगढ़ कलेवा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ डिश मिलता है गाइस, छोटा सा रेस्टोरेंट की तरह है। भावना, भावना, आजा। और ये देखिए गाइस आदि को, आदि आजा, आदि खूब एंजॉय कर रहा है, छोड़ दो ना, आदि को बहुत मजा आ रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है वो। ये देखिए गाइस, ये है गढ़ कलेवा, पारंपरिक छत्तीसगढ़ व्यंजन नया उपासना महिला सेवा समिति सेक्टर 5 द्वारा संचालित है। और यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी डिशेस हैं आपको यहाँ खाने मिल जाएंगे, और यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था वैसी की गई है। देखिए गाइस यहाँ पर पूरे जो हमारे जवान हैं वो किस तरह हमारी देश की रक्षा करते हैं, और जो हमारे वीर सिपाही हैं वो उनकी बहादुरी की गाथा इस दीवार में ऐसे चित्र के माध्यम से जो मूर्ति बनाई गई है बहुत ही शानदार है ये। आपको यहाँ पर भारत माता की मूर्ति दिख जाएगी जो बीच में है। सुखदेव चंद्र शेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु खुदीराम बोस, ज्ञान सिंह और वीर नारायण सिंह जी की भी मूर्ति बनाई गई है दीवार पे, जो बहुत ही मनमोहक है।
मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो गार्डन पूरे हमारे जो शहीद हैं उनको समर्पित है ये, जो हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिए हैं, ये पार्क पूरा उन्हीं को समर्पित किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार के वाटर फाउंटेन लगाए गए हैं लाइटिंग के द्वारा, जो बहुत ही शानदार लग रहा है, ये बहुत ही मनमोहक है। और इस तरफ जो इन दीवारों पे जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके नाम पूरे दर्शाए गए हैं वर्ष के हिसाब से। चलिए गाइस अब इधर चलते हैं हम लोग। इधर शहीद भगत सिंह की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है और यहीं पर लेज़र शो अभी थोड़ी देर में दिखाया जाएगा, तो अगर वो दिखाएगा तो मैं आप लोग को वो भी दिखलाऊंगा लेज़र शो अगर स्टार्ट होगा तो। गाइस यहाँ पर लेज़र शो भी दिखाया जा रहा है कमीशन का विरोध करते हुए। इस लहर में ऐसे अनगिनत नाम थे जिनकी पहचान इतिहास के पन्नों में भले ही दर्ज न हो पाई, लेकिन उनकी कुर्बानी ने देश की आजादी में एक अग्रणीय योगदान दिया। ऐसे शहीदों के त्याग और बलिदान से आने वाली पीढ़ी को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया और जिन्होंने अपने बलिदान से एक आजाद भारत का सपना पूरा किया। ऐसे शहीदों को पूरा देश शत शत नमन करता है। जय हिंद। तो
गाइस लेजर शो खत्म हो गया जो बहुत ही जबरदस्त था। ये देखिए गाइस यहाँ पर स्टेडियम की तरह ऐसा सीटिंग पोजीशन बनाया गया बैठने के लिए, और ये यहाँ पर है शहीद भगत सिंह की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। गाइस अब आगे बढ़ते हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड में बच्चों के लिए बहुत सारा झूला लगाया गया है, तो चलिए वो भी मैं आप लोग को दिखला देता हूँ। इधर बच्चों के खेलने के लिए अच्छे अच्छे यहाँ पर झूले लगाए गए हैं। चलिए गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर, हमारा आज का पार्क घूमना हो गया। तो गाइस ये जो नया पार्क खुला है इसका नाम शहीद पार्क है, और ये सिविक सेंटर के पास में है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ और यहाँ का जो खूबसूरती और लाइटिंग का मज़ा देखना चाहते हैं तो यहाँ आप आ सकते हैं। तो गाइस अब हम पार्क से निकल चुके हैं, और ये देखिए ये है शहीद उद्यान, और इसका खुलने का समय है सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 5 से 9। और यहाँ 3D लेजर शो चलता है सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे और रविवार को शाम 6 एवं 8 बजे।